साथ पैदा हुए, साथ में बड़े हुए, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। गिनती नहीं कर सकता इतनी बोतलें खाली की होगी हमने, लेकिन तू अपन को इधर अकेला छोड़ गया मेरे भाई। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। भाई बराक, इंडिया इंडिया ने मेरे भाई को मारा। ए, वो रॉ चीफ कौन है, उसका नाम क्या रे? त्रिवेदी। ब्लडी ऑफिसर, मैं मार डालूंगा उस पिल्ले को। मेरे भाई, हमारी मां की कसम, तुझे अकेला नहीं दफनाऊंगा, तुझे मारने वाले को यहां दफनाऊंगा। हे पठान भाई, काम हो गया? हाँ हाँ पता है, टीवी पे देखा। भाई तुमसे बहुत खुश है। पठान भाई, एक बार बॉब मार्ली भाई से मिला दो ना प्लीज। पठान भाई, बॉब मार्ली का दर्शन करवा दो, इतने सालों से उनका काम कर रहे हैं, जगह और टाइम बता दो, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, भाई से बात करूंगा। चल अब दुबई में मिलते हैं, चिकनी चमेलियां मिलेंगी उधर, पार्टी करेंगे, मस्त मजे लूटेंगे। पर याद रखना, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बॉब मार्ले। चल निकाल, निकाल, निकाल। जा मेरे रास्ते से, तेरी जान निकालूं सस्ते में, गोली चलाऊं। चल चल खून खराबा मस्ती में, ये दो नंबर का धंधा है, तू हट जा, निकल जा। पता है ना कि अगर पैसा नहीं पहुंचा तो तेरी बेटी के साथ हम क्या करेंगे? डैडी, मुझे इनसे बचाइए। निकाल, निकाल, निकाल। देखो यही है भाई, यही है क्या? इस मिनट में नहीं पहुंचाया तो तेरी बेटी गई। निकाल, निकाल, निकाल। वाट, वाट, वाट। भाई बोलते मेरे को, चल चल हट, मैं निकाल। पैसा नहीं मिला तो देखना। हाँ मैं बताता हूँ। अबे सुन, एक मिनिस्टर को टपकाना है, तेरा वो नया शूटर है ना, उसका नाम क्या है? असलम। चल ठीक है, उसे भेज दे। खराबा मस्ती में, ये दो नंबर का धंधा है, तू हट जा, निकल जा, भाग जा, चल फुट। बाय बाय बाय। बॉब मार्ली, बम ब्लास्ट, मर्डर्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये साला बॉब मार्ली हमसे खेल रहा है। ताकतवर होकर भी हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस की वजह से हाथ में आए हुए बॉब मार्ली को छोड़ना पड़ा, और उनकी वजह से हम अपना सबसे स्पेशल एजेंट खो बैठे, और हम कुछ भी करने जाएं तो ये सारे पॉलिटिशियंस हमारा हाथ बांध देते हैं। इस तरह कुछ नहीं बदलने वाला, लीगली जाएं तो कुछ नहीं बदलेगा। Let's kill Bob Marley outside the law. ठीक है सर, what do you suggest? एक ऐसे गैंगस्टर को आइडेंटिफाई करो जो हमारा काम कर सके। मुझे एक नीच, कमीना, खतरनाक साला चाहिए। किधर मिलेगा? नमस्ते हसीनाओं, उनके भाइयों, तेरे को नमस्ते और तेरे को भी रे। You friend, I friend. मूड ऑफ किया तो एक एक ऑफ कर दूंगा।
ओलंपिक में क्राइम अगर स्पोर्ट होता तो इंडिया को गोल्ड मेडल अपुनिश दिलाता। नेवर ट्राई, डोंट मेक माय भेजा फ्राई और एल्स यू विल डाई। समझी हसीनाओ, उनके भाइयों। अरे तू समझा क्या रे? आई एम टेढ़ा टेढ़ा सिंह, दिमाग थोड़ा पर भेजे से घोड़ा। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी अपन खुद के मुंह से बोलेगा। अभी आया तिहाड़ जेल से, 40 रॉबरी, 30 को टपकाए और 20 हॉस्पिटल में। विकिपीडिया पे यही सब दिखेगा हमारे फोटो के साथ। डांसिंग टैलेंट भी है उनके पास माइकल जैक्सन की तरह। लकवा मार गया क्या? ताली बजाओ। अगर किसी को है टपकाना तो इधर ही मिलने आना। अभी अपने काम पे जाना, कल फिर आना। ए अनारकली, इधर आ, बैठ, जरा टच कर। ओह, तुम्हें तो तेज फीवर है। नो फीवर, ओनली हीटर। तेरे को देख के गर्मी आ गई रे। ओह बेबी, मैं तुम्हें गर्मा गर्म तेल से मसाज दूंगी, फिर ठंडे पानी से नहलाऊंगी। कितना देगा? पैसे की हवरट, कब से 10-10 की नोटे उड़ाई, वो सब कहाँ रखे? बड़े बड़े नोट यहाँ है। आ गया ना आँख और मुँह में पानी। चला घर चले रानी। डोंट वरी अबाउट द छुट्टा, तूने सब कुछ नहीं है लूटा। hey, बस 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 बस, स्टॉप, कीप द चेंज। With this girl, I will get engaged. Let's enjoy in the 5-star house. Baby, इनमें से कौन सा घर तुम्हारा है? आसमान के नीचे जितने भी घर है सारे मेरे घर है, चुन लो। मैं चुनू? हाँ चुनो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 वो। ये वाला? हाँ। चलो, इसमें एसी और फ्रिज भी है। इतनी रात को कौन आया है? कौन हो तुम? एक गेम खेलें? क्या कहा? सर चाहिए या पूछ? क्या मतलब? बोल ना, सर चाहिए या पूछ चाहिए? सर चाहिए। हेलो, पूछ आया रे मामू। तो क्या करूं? यू गेट आउट। Hey, जानो, you come in, come in. Hey, दारू पी क्या है क्या? रुक, तन्ने मेरे साथ गेम खेला कि नहीं? हाँ खेला। तो तू हारा ना ताऊ? हारा तो? घर मेरा हुआ। Get out. Hey, जानता है किससे बात कर रहा है? I'm an advocate. मेरे घर पर कब्जा करने की सोच रहा है। आइडिया भी है, मैंने कितने केसेस जीते हैं। बॉब मार्ली गैंग भी मेरा क्लाइंट है। सही मामू। आधी रात को दरवाजा खटखटाना, सेक्शन 346 प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसपैठ करना, सेक्शन 544 कब्जा, सेक्शन 87, ऐसे 25-30 केस और ठोक दूंगा। मैंने भी केस करूंगा। कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 101, डायरेक्ट फैसला हो जाएगा। लगा के देख ले। ये क्या क्या है? अरे गन है, ट्रिगर मत दबाना। तू हमारे बारे में नहीं जानता? भेजे से घोड़ा, हाथ में भी है घोड़ा। सोचता हूँ थोड़ा, खंबा पिता हूँ विदाउट सोडा। क्या क्या बक रहा है? मटर का केस लग जाएगा। ऊपर से आएगा तू केस करने? अभी यही टपका डालूंगा। अब बोल, चल मुंह खोल। जरा देखो तो क्या हो रहा है। तू 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 चलो चलो। मारी देसी फुलझड़ी कहाँ चली गई? भाग गई और क्या, गोली चलेगी तो ठुमका थोड़ी ना लगाएगी। क्या कहा? मुझसे नहीं, वो फुलझड़ी तुझसे डरी होगी। मन ने टायर्ड होकर फुल नाइट का शेड्यूल प्लान कर लिया था। ताओ, अब किसके साथ रात बिताऊं? जा उसको लेकर आ। वैसे कौन थी वो? बार में डांस करने वाली। हाँ? मेरे को नाम याद नहीं, तेरे को बायोडाटा पता? शक्ल से तेरा कैरेक्टर बेकार लगता है। बोल, तेरे को उसका डिटेल कैसे मालूम हुआ? अरे डर गया मस्ती वालों, शायद तुमको नहीं खबर, आई एम योर नेबर। मला जोप लागली मी जातो। ये बेवड़ा यही रहने वाला है? हाँ, लगता तो यही है माँ। मेरा घर। चल चल, अंदर चल। हाँ, चल। अंजी साहब। आजा आजा, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। दस का बीस में। हाय हाय। चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, कुल्फी खिलाऊंगा, जुल्फे संवारूंगा, पानी में डुबाऊंगा और फिर। हेलो, कपड़े अच्छे धोए तुमने? हिंदुस्तानी नारी घर के काम करे भारी भारी, तभी लगे प्यारी। हिंदुस्तान का गर्व हो, तुम जैसी लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है। जय हिंद।
तिहार जेल में क्रिश्चियन नर्स थी, सेम टू सेम डिक्टो कॉपी, उसका नाम था मरियम। तुम्हारा क्या है? हारिका। वाह, हटके नाम है तुम्हारी तरह, वो भी मुझे टुकुर टुकुर घूरती थी। अब क्या करे, बनाया ऊपर वाले ने टकाटक। मैक्सिमम लड़कियों ने अपन पे ट्राई किया लेकिन अपन किसी को भाव नहीं दिया, लेकिन तुमको चांस दूंगा। हे मरियम। मेरा नाम हारिका है। होगा, लेकिन अपन तेरे को मरियम ही बुलाएगा। मैं नहा के आ रहे लाऊ, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे। आजा भाई आजा, अंदर ही है वो। हे हे हे, अंदर है क्या तू? वो पक्का अंदर है। अंदर है तो खोल क्यों नहीं रहा? शायद नहा रहा होगा। हे हे, बाहर आ, तेरा बाप तेरे से मिलने आया है। हिम्मत ताऊ, गैंग लाने वाला था, इस चिरकुट को लेकर आ गया। छोड़ मेरे को, दावे तो सामने आ। नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं और तू मेरी शक्ल नहीं देख सकता। हे ताऊ, आलू पराठा कहाँ है? कौन सा आलू पराठा? मुझे कब बोला? तो अपन किसको बोला था? हाँ, मरियम को। मरियम, मरियम। सुनिए, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, बैठो। कहो क्या बात है? मेरी बहन पोर्चुगल कुछ काम से गई थी, वापस नहीं लौटी। उसका फोन आया था, उसने कहा था कि उसे लीव मिल गई है और वो इंडिया आ रही है। 2 महीने से ऊपर हो गए पर वो आई नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है उसके साथ। Her phone is also not reachable. मेरे ईमेल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज हेल्प मी मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसका नाम क्या है? सारिका। ओ, कौन से काम से गई थी वो? ए अनारकली, मुझको फंसा कर अकेली डिस्को चली? पेमेंट तो पूरा किया था ना। बेबी 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 बुला रही थी, फिर क्या हुआ? इस बेबी को मामा बनाकर भाग गई? आधी रात के 1 बजे तूने खड़े अरमान पे वार किया। तुझे मेरे पे तरस नहीं आया क्या? सॉरी बेबी, मैं बहुत घबर गई थी। काय को घबराती? कम नियर, माय कार इज इन फोर्थ गियर। हॉटी, चले हट मेरी प्यारी। आज हमारी प्यार की कहानी पूरी करेंगे अनारकली, आज धोखा मत दे। मेरे बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लुक्खे लोगों को मैं तीसरी आंख से देख लेता हूँ। क्या रे, तेरे को बोला था ना अपना ये गंदा थोबड़ा अपन को मत दिखाना। तू हिंदी नहीं समझती? तेरे को नहीं मालूम तूने क्या किया? अबे जानता है हम कौन है? बॉब मार्ली का नाम सुना है क्या? अपन को मेंशन हाउस के अलावा काई नहीं माई थो। वो मेंशन हाउस मेरा है, इससे कहो ना मेरा घर खाली करे। वो घर मारू छे। तारू नथी मारू छे। चले ए घर खाली कर। यशु देश जी, पर उसके बाद तेरी खटिया कहाँ बिछेगी? क्या बोला? बाल के साथ दिमाग भी उड़ गया क्या तेरा? कह रहा है तेरे घर पे कब्जा करेगा। क्या बोला बे? बोल फिर से बोल। तेरी कबर कहाँ खुदवाऊं? गोल्ड मेडल्स ले लेके गोल्ड माइंस खोल लिए, मार्केट में अपन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
अपन को तेरे पे दया आ रही है। अपन सोच रहा है कि इन सब की धुलाई करने के बाद तेरा क्या होगा। छोड़ना मत इसे, मैडम नहीं मौत दे दो। कैसे मारेंगे, यहाँ अपन को हाथ भी लगाया तो ऊपर पहुँच जाएंगे। This body made in Hanuman Vyamshala. Once more. टकले, मैंने तिहाड़ की जेल में अच्छे अच्छों को फोड़ा है, तो तू क्या है बे हावले? बंद करो। अपन पे बंदूक क्यों उतारनी है? You're under arrest. अनारकली, तू अंकल नहीं है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। यस सर, हमें हुक्म का इक्का मिल गया है। आई थिंक ही इज द राइट गाय फॉर आवर मिशन। हाउ कैन यू बी सो श्योर? शेर जैसा दहाड़ता है, किसी से बिल्कुल नहीं डरता। पहले मारता है फिर सोचता है। वो बारूद का गोला है, मामूली इंसान नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, उसकी गर्म खोपड़ी। टॉक टू हिम। क्या हुआ, तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए। वो क्या है ना, अपन लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट करता है ना। ए, बक बक बंद करो और बैठो। नाम क्या है? तेरा सिंह। योर नेम? मैं हूँ किरण। कहाँ से हो? मैं गांव से हूँ। तुम्हारा एड्रेस? कंधे पे क्या बिठाया, तू तो कान में मूतने लग गया। जितना पूछा है उसका जवाब दो। शेर का कोई एड्रेस नहीं होता, जिस जंगल में वो टपकता वही उसका पता। आप उनके जाते ही सब भाग जाते फटफट फटाफट। लेकिन अगर तुम मेरे जंगल में आना चाहो तो खुला इन्विटेशन है। इस तरफ नदी है, तुम चाहो तो उसमें नहा सकती हो, मैं भी आ जाऊंगा। ज्यादा बकबक मत कर, जितना पूछ रही हूँ उसका सीधे से जवाब दे। चल एक बार फिर से पूछ रही हूँ, बता तेरा पता क्या है। देखो मैडम, आप मेरे में इतना इंटरेस्ट ले रही हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे तुम मुझसे शादी करो या लिव इन में रहो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सैलरी से घर चला लेंगे। लगता है तू सीधे तरीके से नहीं मानेगा, दूसरा तरीका भी है। समझा नहीं मैडम। सीधी तरह बता वरना अंदर डाल के योगासन कराऊंगी। योगासन नहीं, लव आसन। चल अब बता तेरा कनेक्शन किससे है। गई भैंस पानी में, मेरी जिंदगी में पहले ना कोई था ना आपके बाद कोई आएगा। कैसा था डायलॉग? बहुत ही घटिया। मेरे बेघर दिल को बस आपके दिल में रहना है। हाँ बोल दो ना। तिहाड़ जेल किस वजह से गए थे? असम के चीफ मिनिस्टर का अपुन से टशन था। बिहार के सबसे बड़े डॉन और उसके बेटे को सुपारी देकर अपने को टपकाने का प्लान बनाया। छत्तीसगढ़ में शूटर भेजा, निशाना नहीं लगा। अपन कश्मीर में लैंड किया, गुंडे भेजे उसने, पर क्या हुआ, 12 लोगों को कट 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 काट डाला। पर अपने यहाँ ईमानदार की रिस्पेक्ट है कहाँ? मुझे नए एड्रेस में भेज दिया, कमरा ऑफ तिहाड़ जेल, बैच नंबर 523, बी ब्लॉक, सेल नंबर 42, एंड चार्ल्स चोबराज वॉज माई रूममेट। मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ, करोगे ना तुम? नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो फिर से तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद करवा दूंगी। बताओ ना क्या काम है। बॉब मार्ली को टपकाना है। ई बुड़बक कौन है? इंटरनेशनल डॉन। मैडम जी, 3x4 की खोली में रहता हूँ, बगल की छोरी को देखता हूँ, जेब में रखी क्वार्टर मारता हूँ, फिर काय को मैं बॉब मार्ले को मारूं? जानते हो वो कौन है? वो इंसान नहीं, एक वहशी दरिंदा है। हर जुर्म में उसका हाथ है। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट सब उसके हाथ में है। He is controlling the whole country with his power. उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पॉलिटिशियंस ने मेरे डिपार्टमेंट के हाथ बांध रखे हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तुम किस सोच में पड़ गए? कल रात को तेरे को 2000 रोकड़ा दिया, अभी तक हाथ में कुछ नहीं लगा, थोड़ा वसूली हो जाए।
हजारों नहीं करोड़ों के बारे में सोचो। हमारा डिपार्टमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा। आज तक तुम पर जितने भी केसेस लगे वो सब रफा दफा हो जाएंगे। मैडम, उसको मारने के लिए मुझे बहुत लोगों को टपकाना पड़ेगा। जिस तरह जेम्स बॉन्ड के पास लाइसेंस टू किल सर्टिफिकेट था, मुझे दोगी? हाँ बिल्कुल। तो समझो वो टपक गया। पहले मैं बैक रोड से उसकी गैंग में घुसूंगा, फिर फ्रंट से सबको मारूंगा। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा। तुम भी मुझसे कभी कभी मिलने आना ना मैडम। लेट्स कीप इन टच। दिस जेम्स बॉन्ड नीड यू इन थंडर। फंसी तो फंसी। सो केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? कल रात को शूटर पकड़ा गया। उसका नाम असलम। कुछ बताया उसने? थर्ड डिग्री दिया पर एक शब्द तक नहीं बोला। पर आज रात उससे उगलवा कर रहेंगे सर, कल सुबह तक सारे नाम सामने आ जाएंगे। वो एक मिनिस्टर था, मार दिया उसे। हम साथ पले बड़े, लोगों की भलाई के लिए कितने सारे काम किए, मिलकर हमने देश की सेवा की। आज नहीं तो कल मुझे भी समाज सेवा करने से रोकेंगे। पता लगा वो कौन है, इसके पीछे जिसका भी हाथ हो काट दो। अगर मंत्री सेफ नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होगा बताइए। सर मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई मासूम लोगों की जाने गई हैं। क्या हुआ? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। किस दिशा में जा रहा है मेरा देश? कुछ खुदगर्ज लोगों ने पूरे देश को नर्क बना दिया। बहुत हो गया, आप एक एक को चुन चुन के मारो। ओके सर, डू इट। मार्केट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो हमारा था ना? हाँ सही पहचाना। तुमसे एसीपी को मारने के लिए कहा गया था, तुमने मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करवाया? पब्लिक होती ही मारने के लिए, आज तक यही होता आया है। ये सुनकर एसीपी वहां पहुंचेगा, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वहां उसकी कब्र खोदने वाली है। बूम। बस एक बात का ध्यान रखना कि असलम अपना मुंह ना खोले। अभी बहुत से काम बाकी हैं जो सिर्फ बॉब मार्ली ही कर सकता है। जय बॉब मार्ली, जय बॉब मार्ली, जय बॉब मार्ली। भैया चलेंगे? हाँ चलेगा ना मैडम। कहाँ जाना है आपको? एसआर नगर। चलो ए, चल निकल, बाहर निकल। अरे ये मेरा ऑटो है। इस धरती पर कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मेरी सवारी को लेके ये क्या बदतमीजी है? मेरा ऑटो आ रहा है। अरे तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे पहली बार इतनी सुंदर ऑटो में बैठी थी। ए, चुप रहे। एक्सीडेंट हो गया। हेल्प हेल्प। अरे मरियम, तू मेरे ऑटो में कैसे? मेरा पीछा कर रही है क्या? करो करो, आग दोनों तरफ लगी है, भोली ना बनो। गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ बल्ले बल्ले। बताओ कि सर लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं थारे को नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। प्रेम गली खोली नंबर 420। ऑटो रोक दो प्लीज, मैं यहाँ उतर जाऊंगी। नहीं रुकूंगा। मालूम है काकू, रात को तू सपने में आई थी। क्यों आई? मैं तो नहीं आई थी। नहीं आई? मालूम है रात को पीने के बाद बहुत से लोग सपने में आते हैं। क्या कर? कौन आया हम सुबह भूल जाते हैं, राइट ना? मुझे क्या पता। राइट लो या लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इस तरफ। अच्छा ओके, प्रेम गली खोली नंबर 420 आ गया, मैं जा रहा हूँ। टुकुर टुकुर घूर मत, चल आगे बैठ, गो होम सेफली। तो हार मम्मी दामाद ढूंढ रही है ना? हो भी सकता है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, शाम को मैं घर आऊंगा और चाय पीते वक्त तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। What? कितना शर्मा रही हो, मुला लोगे? This guy is really mad. Hey! हाँ बोल बे। बबलू भाई, सर तुमसे बात करना चाहते हैं। Hey, कौन सर? टेढ़ा सिंह सर।
इस वकील के चक्कर में हम आपस में बेकार में पंगा कर रहे हैं। अपना मैटर सेटल कर लेते हैं, उसके बाद अपन तेरे को सॉलिड सीक्रेट बताएगा। अंडे पे आ। आया। तुम सब की आंखों में मुझे हवस नजर आ रही है। मैं प्यार वाला बंदा हूँ, थोड़ा प्यार से बातें करेंगे। बैठो बैठो। बैठ रहे। चल बे। मतलब की उल्टी कर। पुलिस वाली आंटी ने तुम्हारे बॉस को मारने का अपन को बम्पर ऑफर दिया है, साथ में तुम लोगों को टपका दूंगा तो वो अपने को मालामाल कर देगी, लेकिन अपना दिल फूल जैसा है, अपन ने बोल दिया उसको। इन फूल्स को मार के क्या फायदा? तू सच बोल रहा है क्या? होचड़े चमन, अपना दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है वचन। अपन जबान दिया तो समझो दिल दिया। है बोल, बॉब मार्ली के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ना तू ना तेरा टुच्चा डिपार्टमेंट बॉब मार्ली का कुछ नहीं उखाड़ सकता। अबे बाल वाले भालू, डिपार्टमेंट की बात भूल जा, अपन ने बोला वो फाइनल है। मारे ईगो को चैलेंज मत कर। अरे भाड़े के टट्टुओं, आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। हम सबको एक नई पार्टी बनानी होगी। मैं आप सबका लीडर बनने को तैयार हूँ। आप सबकी पेमेंट में डबल कर दूंगा, ओवर टाइम अलग से दूंगा। बैठो बैठो। प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। साफ बता हमसे क्या चाहता है, चल बोल। दोस्ती मार काट वाली दुश्मनी भूल जाओ। पुलिस की सारी इंफॉर्मेशन मैं तुमको दूंगा और तुम्हारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दूंगा। ए, ऐसा कुछ मत करना। अबे बताएगा तो वाट लग जाएगी। नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम लोग इस फटीचर वकील का आलीशान घर मेरे नाम कर दो। क्या बकवास है, जब देखो मेरे घर के पीछे पड़े रहते हो। मारे को पता है कि तूने कौन सी काली कमाई से वो घर हड़पा है? बोल, खोल दू पोल। फ्रेंडशिप हो गई, अब सेल्फी तो बनती है। क्या रे, पुलिस कोई नया गेम खेल रही क्या? क्या नाम है उसका? टेढ़ा सिंह। टेढ़ा सिंह, ठीक है। एक काम करो, अपने चमचों से कॉल्स पर नजर रखे, पता करो किस ऑफिसर ने उसे अपॉइंट किया और क्यों। बस बस, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। देखो ध्यान से, ये वही लड़की है। जाओ जाओ पकड़ो उसे। हट रहे। अरे क्या कर रहे हो? भैया जी। मैडम, ये कैसे किलो दिया? 30 रुपया। मच्छी खाओ, झींगा खाओ, केकड़ा खाओ, मुर्गी खाओ, इनसे प्रोटीन मिलता है। गाजर बैंगन खरीदने में टाइम वेस्ट नको करू। भैया जी। मैडम, 1 किलो बैंगन देना। हाँ ये लीजिए। ये ताऊ, इसने मांगा और तूने दे दिया, दूं क्या? नहीं। हे मरियम, ऐसा घास फूस बनाओगे ना तो मैं रात को खाने पे नहीं आऊंगा। वैसे खाने पे तुम्हें बुलाया किसने? नहीं बुलाया तो पंडित से मुहूर्त पूछने वाली हो क्या? तुम्हारे और आंटी के पास मेरे अलावा ले दे के है कौन? मरियम, मैं अपना प्यार वाला साइड दिखा रहा हूँ और तुम मुझे साइड में करके निकल गई। आई एम नॉट मरियम, आई एम हारिका। प्लीज डोंट फॉलो मी। ओए, मरने दुनिया फॉलो करती है, टेढ़ा सिंह किसी को फॉलो नहीं करता। तो फिर इस वक्त क्या कर रहे हो? बैकिंग, कैरिंग, मॉरल सपोर्ट, मार्केटिंग। भाई साहब, भाई साहब, 2 किलो टमाटर दीजिए ना भाई साहब। हे मरिया, यहाँ पूरी चटनी पिस गई और तुम भैया को टमाटर देने बोल रही हो? मूड आया तो खिला सकता हूँ, सर फिरा तो उड़ा सकता हूँ। Darling is here, market is clear. लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारी बहन से मिला था अप्रैल की 17 तारीख को, उसने कहा था कि वेस्टिंग ऑपरेशन के लिए पोर्टेबल जा रही है। उसके बाद एक ही बार हमारी बात हुई थी, फिर कोई कांटेक्ट नहीं। ऑफिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 4 अलग अलग होटल्स में रही थी। एंड वन मोर थिंग,
Her last credit card billing was at an Italian restaurant. मैं पॉर्चुगल ऑफिसर के साथ टच में हूँ. उन्होंने कहा है जैसे ही पता चलेगा वो हमें बताएंगे. मेरी एक रिक्वेस्ट है, तब तक ऑफिस मत आना. तुम सारिका की सगी बहन हो, ये बात किसी को पता ना लगे. But... जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें फोन करूंगा. सर सर. हाँ बोल क्या है. तुमसे बात करनी थी. अंदर आ जाओ, बुरा तो नहीं लगे. हाँ क्यों नहीं बिंदा सा, अपन फील नहीं करता. तशरीफ टिका ले. थैंक यू. गीद और शेर की गुफा में क्यों पधारा? गेम खेलने आया था, वही पूंछ और सर वाला. मेरे को बेघर बंजारा करेगा? हाँ बिल्कुल सर. देखो अगर तुम जीते तो घर तुम्हारा. हाँ. लेकिन अगर मैं जीता तो क्या देगा मेरे को? मैं क्या दे सकता हूँ सर, मेरे पास बस ये जान है. तो दे दे. हाँ? सर सर सर, ये बात बात पे इसे क्यों उठा लेते हैं? बेटा तूने जबान दे दी अपन को, अगर जबान से मुड़ा तो जबान काट लूंगा. तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ. तू पौना दिमाग है तो अपन डेढ़ दिमाग. मेरी गुफा में काय को आया, पीते शेर को काय को जगाया? सर सर प्लीज सर रुक जाइए सर. निकाल, कोई निकाल. अभी निकालता हूँ सर, अभी निकालता हूँ. ये लीजिए, बोलिए क्या लेंगे सर या पूछ. अपन हमेशा सर चुनता है, उछाल. हाथ हटा, देखने दे क्या आया है. सर मैं हाथ नहीं हटाऊंगा, मुझे डर लग रहा है. नहीं हटाएगा? देख तो ले तेरे नसीब में लिखी है तेरी खोली या फिर मेरे तमंचे की गोली. सर पूछ आई है सर, मैं जीत गया, अब ये घर मेरा है. तुम्हारा? हाँ. बच गया कालिया, ले लो. ये भी बच गया, वो भी बच गया. अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? मैं अकेला ही काफी था. बड़ा अजीब आदमी है, जैसा नाम वैसे घुंड. खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. सर थैंक यू सर, गुड नाइट. मैं सोने जा रहा हूँ. इतनी जल्दी सोने जा रहे ले हैं? अब उनके साथ एक गेम नहीं खेलेगा क्या? अरे सर, सर मैं गेम खेलने लायक नहीं रहा सर, रिटायर हो गया हूँ. रिटायर हो गया? मैं सरकारी दफ्तर चला रहा हूँ क्या? निकाल, कॉइन उछाल. माफ कीजिए सर, सर प्लीज सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर. है? प्लीज सर. पैर पड़ता हूँ बोल के हाथ छू रहा है. रोक 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 रोक, चल 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 चल, जल्दी 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 चल, आजा, ए चलो, हट हट, चल 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 जल्दी चल. कौन हो तुम लोग? घर की तलाश लो. चला, ए, तुम लोग इस तरह चलो. चल पिक्चर दिखाता हूँ. सर सर रुके सर, वो गुंडे हैं सर. है छोड़ो भी, वकील बाबू हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है. चल चल ना. क्या कर रहे हो? सीधी तेरा बता, तेरी बहन कहाँ है? उसने कोई फाइल दिया क्या? कुछ दिया उसने तेरे पास? कौन सी फाइल? नहीं तो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो. चल बोल, तेरी बहन ने जो हमारे बॉस की फोटो और वीडियो लिए थे वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता. बोलती है या नहीं? सच में नहीं पता, मुझे नहीं मालूम. नमस्ते भाई. यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? अपन को कॉर्नर वाली दो टिकट चाहिए, इसको एक्शन फिल्म देखनी है. यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है, चल निकल. है? अरे ये फिल्म नहीं है तो और क्या है? आई एम द हीरो, यू आर द कॉमेडियन एंड विलन टचिंग माय हीरोइन. बोला था ना ये एक्शन फिल्म है. बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा लाउड कर दो. पागल हाथी को तुम छेड़ोगे तो कुछ ले जाओगे. Yeah.
फोटो ब्लर क्यों है? दो दो दिख रहा है। अभी भी मैं अकेला तुमको और तुम्हारे ब्लर फोटो को फोड़ सकता हूँ। ये गया ब्लर, ये गया तू, ये ब्लर। रेडी रेडी गो। चल 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 अंदर ब्लर। मर। मैं हूँ डॉन। छोकरी के घर से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो उसे अभी के अभी मार डाल। हम उसे मारने वाले थे लेकिन किसी हीरो ने आकर उसे बचा लिया। कौन है वो? टेढ़ा सिंह। टेढ़ा सिंह। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या तुम बता सकती हो कि उन्होंने तुम पर अटैक क्यों किया? देखिए मैम, मैं नहीं जानती, लेकिन जरूर मेरी सिस्टर सारिका के बारे में कुछ पता करने आए थे। जब से वो गायब हो गई है तब से हम परेशान हैं। ऊपर से ये गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं। I'm very scared. मुझे लगता है मेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है मैम। अच्छा तुम्हें याद है कि उन्होंने स्पेसिफिकली तुम्हें क्या कहा था, किस बारे में कहा था? वो कह रहे थे किसी ने उनके बॉस की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की है, उसी के बारे में पूछ रहे थे। हम पता लगाएंगे। मेरी सिस्टर को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। प्लीज हेल्प मी मैम। I'll help you, but he'll help you more. वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसका साया बन के रहोगी तो मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। Rest, I'll take care. Hey, डेढ़ा भाई, कैसा है? Hey, भाई के लिए बाटली निकाल। भाई, टिल्ड बियर है भाई, पी के देखो बिंदास। अबे क्यों मारा इसे? इसे ही क्या, सबको फोड़ डालूंगा। चुप कर, ऐसे फ्रेंडशिप निभाएगा? फ्रेंड हो तो मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? Hey, हम उसे नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर जरूर बॉब मार्ली ने किया होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। Hey, ऐसी हटेली और टेढ़ी बातें क्यों कर रहा है? हॉस्पिटल के बिस्तर में ही टेढ़ा पैदा हुआ था। टेढ़ा, टेढ़ा सिंह नाम है मेरा। आज से नो फ्रेंडशिप, ओनली वॉर। फोन मत करना और व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। फेसबुक ट्विटर से तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। आज से ठरकी ग्रुप से मेरा नाम डिलीट कर दो। फेस टाइम मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कल के बाद किसी को वार्निंग या चेतावनी नहीं मिलेगी, सीधी गोलियां चलेंगी। देख तो। सीरियस हो गया तू? अपनी डील तो कल से थी भाई, आज गोलियां क्यों वेस्ट कर रहा है? भाई क्या बेवड़ा आ गया तेरे को? तो फिर चला। ये गोलियों का डोज किसी और को देना, अपुन को नहीं। तो तेरे को क्या, तू सही टाइम आने पर बताऊंगा। बॉब मार्ली से कहना शुरू उसने किया, खत्म टेढ़ा सिंह करेगा। हाँ, कभी आदमी टेढ़ा लगता है कभी सीधा लगता है, क्या करूं इसका? बार बार यही कह रहा है कि बॉब मार्ली को मार डालेगा। है कौन ये? पुलिस ने उसे अपॉइंट करके यहाँ भेजा, लड़की के मामले में टांग अड़ाने वाला यही था। प्रॉब्लम कर सकता है। इस टेढ़ा सिंह का बैकग्राउंड निकालो। ओहो, क्या रे, मेरे लिए सजी सवरी? शर्मा क्यों रही हो?
ये सब तो तुम्हारे लिए है। अरे आज इतना स्पेशल क्या है? आज करवा चौथ है ना, यानी कि आज लड़कियां भगवान से दुआ मांगती हैं कि सात जन्मों तक एक ही पति मिले। ये दुआएं लड़कियां अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करती हैं। वो कैसे? सीधी बात है, पहले जन्म में तो तुम हमें बर्तन और कपड़े धोने की ट्रेनिंग दोगे, फिर अगले सात जन्मों तक उसी पति से शादी करोगी क्योंकि उसे फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नियों की ऐश और बेचारे पति, घर में भी काम और बाहर भी काम। क्या तुम्हें एक बात पता है? मैं भी तुम्हें ऐसी ही ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। अच्छा, किस बात की? जब मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, और जब मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाना, और खाने के लिए जो भी दूं तो खा लेना। शुरुआत में लड़कियां गुलकन की तरह मीठी मीठी बातें करती हैं, चूना तो बाद में लगाती है। ला ये मीठा पान खिला। आ, 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 अरे मैम, टेढ़ा सिंह की सारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। व्हाट? यस मैडम, वो आज तक कभी तिहाड़ जेल नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी, वो कहीं फॉरेन से आ रहा था। हमें सारिका की खबर मिल गई है। सॉरी, शी हैज बीन किल्ड। उसका मर्डर हो गया है। जिसने उसे मारा है, मैं उसकी फोटो भेज रहा हूं तुम्हें। प्लीज चेक योर ईमेल। हमें टेढ़ा सिंह की फोटो मिल गई है। आप उसे देखेंगे ना तो आपकी आंखें फट जाएंगी। ये वही आदमी है ना? हाँ वही है सर। आप उसकी फोटो देखेंगे? मत दिखाओ, मत दिखाओ, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। जब उसे मार दो तो सीधा उसकी लाश दिखाओ मुझे। ये जाओ, जितने आदमी चाहिए, जितने हथियार चाहिए, पर उसे मार दो, मार डालो। कुछ नहीं छुटना चाहिए। वो इधर नहीं है, अब हम क्या करें? उसके सामने वाले घर में रहती है, उठा रहा उसको, उसके बाद उसे फोन करना, अपने आप हो जाएगा। फिकर मत करो, काम हो जाएगा भाई। क्या काम हो जाएगा बे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। तू जानता क्या है उसके बारे में? तू मैं उसे जानता हूँ। उसको मिलने के बाद अगर जिंदा बचा ना तो मुझे फोन करना, समझा? तो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो चीज तेरे। भाई आप कहे तो उसे टपका के आ जाऊं। अरे तू उसे क्या टपकाएगा, वो खुद एक किलिंग मशीन है, एक बॉम्ब है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। एक काम कर, हीरोगिरी दिखाए बिना उस लड़की को उठा ला। शेर को रेलवे स्टेशन पर बुलाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। खूंखार शेर को ललकारना तुम जैसे गीदड़ों को शोभा नहीं देता। मेरी बुलबुल को छोड़ दो, वरना एक दूसरे की शक्ल आखिरी बार के लिए देख लो। डायलॉग मारता है, आपन डरने वाला नहीं है। तू जैसे चूहे को मेरे जैसा शेर डराएगा? जिस जिसको मरने की जल्दी है मेरे पास आ जाए। तूफान आने से पहले मौसम विभाग रेडियो पर चेतावनी देता है, पब्लिक को डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए।
तुम लुक्कों के पास सिर्फ 30 सेकंड है, अपने अपने भगवान को याद कर लो। टाइम खत्म होने के बाद ना मोहलत मिलेगी और ना ही माफी। Your life is your decision. गोली मार सकते हैं फैंस, फैंस, फैंस और फैमिली, 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 आउटर्स नॉट अलाउड। कल सबवे में हुए गैंग वॉर से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। अंडरवर्ल्ड के दो गैंग्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी जिसमें फायरिंग हुई और कई लोगों की जान चली गई। टेढ़ा सिंह नाम के गैंगस्टर ने 30 लोगों की हत्या कर दी।
इस हत्या के पीछे वजह क्या थी, पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है। पता चला है कि एसीपी किरण ने टेढ़ा सिंह को जेल में डाल दिया है। जेल में तो डाल दिया है, लेकिन ज्यादा दिन रख नहीं पाएंगे। कौन है रे तू? बता कहां से आया है? अपनी असली पहचान बता, या मुर्दे तक बोल पड़ते हैं तू क्या चीज है? तुम्हारी पूछताछ पूरी हुई? चल बोल। नहीं सर, अभी तक नहीं। जेल में रहा तो मारेंगे कैसे उसे? अभी नहीं हो पाएगा, मैं आपको फोन करता हूँ। अगर उसने सच्चाई बता दी तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। सर आई कॉल यू लेटर, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। हेलो हेलो, सारिका की माँ और बहन बहुत दुखी हैं। कम से कम अब तो उन्हें सच बता दो। एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दोनों बेटियों को पाला है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी बहुत पहले ही जिम्मेदार बन गई थी और हमारे लिए मेहनत करती थी। वो सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, हम दोनों की माँ है। उसी की वजह से हम जो तकलीफें झेल रहे थे वो दूर हो गई। तुम्हारे सामने ये लाचार माँ खड़ी है। बता दो हमारी बेटी कहाँ है? बोलो कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? सारिका से मेरी पहली मुलाकात हुई थी पुर्तगाल में। आपका टैक्सी ड्राइवर। ए, रैश ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? तुम देख के नहीं चला सकते? तुझे वहाँ से देख लिया था, सोचा तू मेरे लिए बनी है। टैक्सी भगाई ताकि मुझसे पहले तुझे कोई ना ले जाए और मैं कुंवारा रह जाऊँ। और अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो? भाग जाऊँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम ही पछताओगी। ये बताओ जाना कहाँ पर है? सेंट्रल पार्क। वहाँ पर जाने का 100 यूरोस। Hey, that's too much. Too much? यही तो तुम लोगों की मच मच। जाओ पैदल जाओ, फिर मत कहना एक ब्लैक की दूसरे ब्लैक ने मदद नहीं की। हे, ब्लैक होगी तुम, मैं नहीं हूँ। अरे छोड़ो, हम कितने भी गोरे क्यों ना हो, ये फॉरेनर्स हमें ब्लैक ही समझेंगे। यू टॉकिंग लाइक अ ब्लडी रेसिस्ट। ब्लैक एंड व्हाइट रंग से लोगों को डिफरेंशिएट करते हो? हाँ, तुमसे तो ये गोरे अच्छे भले हैं। हाँ? I'm going. शौक से जाओ। I'm going, हाँ? Go, 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 go. Okay. शकल है इसे बड़ा अकल नहीं है, क्या जमाना आ गया। मदद करने जाओ तो गालियां और जूते पड़ते हैं, अभी सफेदी उतर जाएगी। हाय, सेंट्रल पार्क। 200 यूरोस। ओह, ओके, थैंक्स। और कोशिश करो, आगे और एक टैक्सी वाला है। हाय। हाय। सेंट्रल पार्क। 250 यूरोस। ओके। गॉड। At the end of the day, we all are blacks, man. Baby, और बताओ क्या हालचाल है? ये baby baby क्या है? You're talking rubbish, okay? क्या यार? तुम्हें black बोलो तो problem, तुम्हें baby बोलो तो problem. इतनी negativity तुम लाती कहाँ से हो? मेरे से थोड़ी positivity ले लो. मैं मानता हूँ मेरा नाम टेढ़ा सिंह है, लेकिन मैं सोचता सीधा हूँ. हाँ. ब्रेक लगाना कब सीखेगा तू टेढ़ा? डिलीवरी करने का है। एड्रेस बोल। तेरे को मालूम है ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल रेट, पुलिस पीछे पड़ी तो डबल रेट। ओके डन। ये जलेबी फाफड़ा सामान किसका है? मेरा है। अच्छा तो जितना इस सामान का ध्यान रखेगा ना, उतना मेरे बैग में पड़े ड्रग्स का भी रखना हो। अपन है ना? क्या? ओके जलेबी बन, जरा सर को बैग रखने का है। ए, क्या कर रहे हो? इस बैग के अंदर क्या है? गुलाब जामुन है तुम्हारे जैसे मीठे मीठे। जाओ।
ये बैग किसका है? जब मैं टैक्सी में बैठी हुई हूँ तो बैग कैसे ले लिया? Stop, stop the car. Will you please get down? सीट बेल्ट कस के बांध लो. तेड़ा सिंह की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है. What? Hey you, stop the car. Stop the car or I'll shoot. 8426 FF. वो भाग रहे हैं. नहीं, मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ. स्मगलर लोगों की फ्रीडम के लिए फाइट करता हूँ. से पूछेगा कि ये बैग किसका है तो मैं कहूंगा तुम्हारा है. No! तो स्टॉप द कार, स्टॉप द कार. क्यों चिल्ला रही थी? और 100 तुम्हारी बकबक के. मैं नहीं देने वाली. और अगर तुमने दादागिरी की ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी. हां जाओ, रोका किसने? जाओ, जितना दूर भागोगी उतना और करीब आओगी. मेरा यह कर्जा मैं सूद समेत वसूल करूंगा, फिर सूद भगवान को चढ़ा दूंगा. आए, आए, आए. साला वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बहुत डेढ़शाना बन रहा है. उसे गीदड़ की मौत मारना. उसकी लाश देख के उसके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की रूह कांप उठे. आए, 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 हाँ सर, ये भी अच्छा है. ठीक है सर. शांति, रुक, शांति, रुक जा. ऑफिसर, इधर देख. मुझे जाने दो. बचाओ. नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो. आजा, आजा, आजा. आजा.
मेरा नाम बॉब मार्ली है। हे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? फॉलो कर रहे हो? पता चला मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो फायदा उठाने आ गए। हाँ, अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना, हाँ, तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ओहो, they'll put you in jail. हाँ, you're illegal, criminal, smuggler, blah blah blah. तुम मुझे जानते नहीं हो। ए, लड़की हूँ सोचकर कम मत समझना, ओके? ये क्या? तुमने कुछ ऑर्डर किया था ना, वही देने आया था। इतनी बकवास सुनने के बाद मूड बदल गया, डायरेक्ट पुलिस को जाके दे देता हूँ। नहीं प्लीज, बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल है ये। अच्छा, हम कुछ ले जाए तो स्मगलिंग, तुम कुछ मंगवाओ तो कॉन्फिडेंशियल है? हम करे तो बलात्कार, तुम करो तो चमत्कार। अपन को तेरे पे पहले ही डाउट था। चल अंदर बेडरूम में जाकर बात करते हैं। पोर्चुगल क्यों आई? क्यों आई यहाँ पर बता? बक बक बंद कर, सच बताने का वक्त आ गया है। यहाँ बैठ और बता। हाँ, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास ये दूरबीन है, हार्ड डिस्क का क्या काम? हार्ड डिस्क ब्लैंक है। इस बॉक्स के अंदर क्या है? तुम टेररिस्ट हो या जर्नलिस्ट हो? उसे चुपचाप नीचे रखो। हाँ, अभी डिब्बे का डिब्बा खोल देता हूँ। मम्मी मर गया। बेबी सुन, मैं तुम्हारे घर में आया तुम्हारी बकबक की वजह से, तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से सोफे पे बैठना पड़ा। अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो बेडरूम यही है। नहीं नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मांडोली की बात करते हैं। मैं यहाँ इलीगल हूँ, तू भी इलीगल है। मैं भी डेंजर हूँ, तू भी डेंजर है। मैं ब्लैक, तू भी ब्लैक। हाँ हाँ हाँ, दोनों ब्लैक हैं। हाँ, तो अपना हाथ मेरी पॉकेट में डालो। नहीं डालो। कुछ इंटरेस्टिंग मिला? दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, टेढ़ा सिंह, टैक्सी ड्राइवर, 24 आवर्स सर्विस। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल। पैसा वसूल। Hello, hello. How are you? I'm good. Hello, hello. Hello. Hi. Hi. Bye. Hello, Minister Sir. Bye. कैसे हैं आप? All well. All well. All fit. ये मेरा भाई Sunny. Hi. Hi. पता है तुम कितने किस्मत वाले हो? ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। You are a very lucky person. Yes. I'm very lucky to have a big brother like him. जो मांगता हूँ दे देते। Come, let's go inside. मुझे वो लड़की चाहिए भैया। कौन सी? जिसकी शादी हो रही है। ये लड़की तुम्हें अभी चाहिए या बाद में भी चलेगी? सुहागरात तो मैं आज ही मनाऊंगा। मिलिए मेरी खूबसूरत वाइफ लीजा से। आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो मेरे बंगले में रहो। दैट्स माय ट्रीट फॉर यू गाइस। थैंक यू सर। आई होप यू गाइस आर हैप्पी नाउ। यस, थैंक यू। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर, I love her so much. Please, please don't do this to me. Please. वो मेरा छोटा भाई है, मेरा बच्चा। तुम्हारा भाई तुमसे कुछ मांगता तो क्या करते?
रुक। अगर मेरा भाई ऐसा घटिया और कमीना होता तो फिर मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। लाइफ में कुछ भी करना, मेरे भाई को गाली मत देना, वो मेरा बच्चा है। उठ। भाई ये नहीं उठेगा, ये मर चुका है भाई। ऐसे कैसे मर गया? मैंने सिर्फ बात की, धक्का दिया। भाई समझो, बात करते करते तुमने कुचल दिया। मुझे याद नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। भाई जब इसने आपके भाई को गाली दी तो आपने गुस्से में इसे मार दिया। It happens. He's gone. I love you, brother, भाई कितना क्यूट है। Actually, हम दोनों ही मासूम और क्यूट हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। छोटा भाई, हाँ? शेर ठीक मेरे सामने था, चारों ओर घना जंगल था, हाँ? और वो भूखा शेर 3 दिन से डाइटिंग पे था। उसके बाद खबर से क्या हुआ, वो मेरे सामने आ गया, हाँ? आंखों से आंखें टकराई, मैंने अपनी तलवार, हाँ? संभाली, हाँ? मैंने उसको देखा, हाँ? उसने मेरे को देखा, हाँ? और मैं उसकी ओर बढ़ा, हाँ? मेरा खून खोल रहा था। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, मैंने उड़ी उसकी बाबा, आँखों में देखा, हाँ? और खचाक से अपनी तलवार निकाली और खाक 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 मुझे मुझे ही काट डाली। तुम मेरे पे यकीन नहीं कर रहे हो ना? काय को नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन फेक लग रहा है। मैंने उस शेर को पूरा टकला बना दिया, हाँ? उसके बाद, हाँ? क्या था, सीधा सर्कस, हाँ? पहुँचा, एप्लीकेशन दिया, वहाँ रिंग मास्टर की नौकरी खाली थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे जोकर बना दिया। आगे क्या हुआ मालूम है? इस देवदास को पारो मिल गई, मेरे प्यार में वो गरबा खेलती थी और मैं उसके प्यार में डांडिया खेलता था। लेकिन फिर मेरे को एक दिन मालूम पड़ा कि वो विलन की पार्टी में थी। मेरे को पहले ही डाउट था कि वो धरती पे झोल कर रही है। अपने से ज्यादा तो वो हाथी कुत्ता बंदर भालू को भाव देती थी, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। आप उनको पहले क्यों नहीं बताया तू इस धरती पर झोल कर रही है? क्या क्या कह रहे हो तुम? हवा अंधे, तुम जैसे रापचिक पारू की वजह से ही हम जैसे देवदास बेवड़े बनते हैं। अपुन सही बोला कि नहीं? सौ टका सही। टेल अस आई से, इसके दिए जख्म को हम कैसे दूर करेंगे? रम में डुबा के। तो इस बात पे शुरू हो जाओ। ऐसे? अरे मैं शराब नहीं पीती हूँ। तुमको क्या लगता है मैं पीता हूँ? वैसे ये पारो कौन है? तुम्हारी पारो के बारे में पूछ रही है, जवाब दो। अरे जवाब दो। I am a fan of NBK. I have 101 fever. My nurse told me, take medicine. Nagin dance. किस्मत फूटी थी जो एक टैक्सी ड्राइवर से जा भिड़ी। बाद में पता चला कि वो एक स्मगलर है। कल रात एक और बात पता चली, वो बेवड़ा भी है। मुझे भी पिला दी उसने। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसने मुझे क्या पिलाया, कितना पिलाया, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। बस इतना याद है कि उसके बाद हम दोनों ने मिलकर खूब डांस किया। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई। अरे तो ठीक है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, दिखने में कैसा है? बुरा भी नहीं है। You lucky girl, have fun. But I tell you, dangerous fellow. जाने दो। माँ कैसी है? एक मिनट बात करवाती हूँ। सारिका, अल्लाह फोन दे। बेटा कैसी है तू? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? हारिका ने मुझे बताया आप टाइम से दवाइयाँ नहीं ले रही हैं। उसका टेस्ट बहुत खराब है, सुबह 6, दोपहर को 4, रात को 7, गले से ही नहीं उतरती। अगर आप दवाई नहीं खाएंगी मैं भी खाना बंद कर दूंगी।
अरे ऐसा मत कहो बेटा। हारिका। क्या है सारिका? जब माँ दवाई खा लेना तो मुझे फोन करना, हुँ? मैं खाना तभी खाऊंगी। ठीक है, तुम जीती मैं हारी। ये बताओ वापस कब आओगी? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है माँ, जैसे ही पूरा होगा मैं आ जाऊंगी। ये झांसा कई बार दे चुकी हो, ये बताओ कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? भैया मैंने कॉफी शॉप में एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पर चलना चाहोगी? What? आ तो ताजा ताजा पटाया है, इसको प्रॉमिस दिया था डिलीवरी के बाद इसको कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसे पटाया था। येडे, तू नहीं चाहता मेरा हनीमून हो? ये पागल मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मार दे इसको। भिड़ो, अगर अपन झुक जाए तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन तेरे जैसा भेड़िया मुझ जैसे शेर को ललकारेगा तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसलिए कॉफी हम पिएंगे, फालूदा तुम्हारा होगा। तो मैं हमेशा के लिए मुसीबत में फंस जाऊंगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मार डालो उसे, जहां मिले मार दो, उसके पास जो भी सुराग मिले लेकर आ जाओ। मैं बीबीसी में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ बॉम्ब मारने पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। मैं जानती हूँ वो बहुत खतरनाक है, इसके बावजूद मैंने चैनल से इस प्रोजेक्ट को परस्यू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। ही इज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही हूँ। मैंने काफी सबूत जुटा लिए हैं, दुनिया के हर माफिया के साथ उसका कनेक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन का भी हाथ है। नाउ आई विल एक्सपोज हिम इन एंड आउट। लड़कियों के इतना बड़ा पंगा मोल लिया, तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? माँ है, छोटी बहन है, बस उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, बहन को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, खुद के लिए लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है। आज तक लाइफ में अपने लिए कोई सपना नहीं देखा, अपनी शादी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। कोई लड़का पसंद भी आएगा तो मुझे नहीं लगता मैं शादी कर पाऊंगी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? परिवार के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हैंडसम स्मार्ट लड़का सामने हो तो उसे सुमड़ी में टुकुर टुकुर देखने में क्या एतराज है? अगर मिल भी गया तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे? आसान है, राइट टर्न करो, लेदर जैकेट और गॉगल्स के साथ उसका दीदार हो जाएगा। कुची कुची के लिए हाँ कर दो तो वो टैक्सी में तुम्हें गली कुचा दिखाएगा। पर यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा। ए, इतनी खूबसूरत आंखों से कम दिखाई देता है? ठंडी हवा चल रही है, पास आ जाओ सर्दी लग जाएगी, वैसे भी तुमने कपड़े कम पहने हैं। देख छोड़ो मुझे। हा? क्या क्या? मेरा यहाँ पर
आज आखिरी दिन है। कहाँ जा रही हो? इंडिया। क्यों? यहाँ काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया? चली जाओगी मुझे यहाँ पर छोड़कर? गुड नाइट। मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम सोने जा रही हो? थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बात नहीं कर सकती? बैठ तो सकती हूँ, पर तुम तो नशे में हो। तुम्हारा नशा चढ़ा है मुझ पर। सोना है तो सो जाओ, दरवाजा खुला रखना। गुड नाइट। कमाल छे। ए! दरवाजे को हाथ मत लगा, चल जाए यहाँ से। बड़ा आया कबाब में हड्डी बनने वाला। ओहो, ताड़ो जी भर के ताड़ो। एक बात पूछूं, तुम्हारा जाना जरूरी है? जाना तो जरूरी है, लेकिन मैं शायद वापस भी आ जाऊं। अगर मैं पहुंचूंगी लौटी, क्या वही टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करेगा? तुम पिकअप करने आओगे ना? करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी ब्लैक हो और मैं भी ब्लैक हूं। बहन का फोन है। हाय बेटा, तुम आज आ रही हो ना? आई एम ऑन द वे टू एयरपोर्ट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सी यू सून। पीछे करो। We'll be right back.
यहीं मारूंगा। सोच तुझे यहाँ कौन लाया। ए पागल, इतने सालों की मेहनत के बाद मैं बॉब मार्ली बनाऊं और तू इतने छोटे घोड़े से मुझे मार देगा? तुझ जैसे घोड़े के लिए इस घोड़े की जरूरत नहीं। तुझे मारने के लिए मेरी ये उंगली काफी है, बॉब मार ले। लिसन, क्या चाहिए तुझे? बोल तुझे क्या चाहिए। पोर्चुगल चाहिए? पूरा पोर्चुगल तेरे नाम कर दूंगा। बकवास बंद कर। पोर्चुगल तेरे बाप की जागीर है क्या? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, शूट मत करना। सर, वेयर आर यू? आई एम विद बॉब मार्ले। ही इज एट माय गन पॉइंट। लीव हिम। क्या? लीव हिम बाला, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्टर। सर, इस कमीने को ढूंढने में पूरे 2 महीने लग गए। हमारे सारे रॉ एजेंट साथियों को मार दिया इसने। आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन। लीव हिम। बाय। से मुझे अपनी नौकरी से नफरत होने लगी। मैंने डिपार्टमेंट को यकीन दिलाया कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। सारिका ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका ने जो फिल्म बनाई थी उससे उसकी फैमिली को खतरा था, इसीलिए मैं आप लोगों को बचाने यहाँ चलाया। वो मिनिस्टर आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर मैंने भी कसम खाई है कि जो हाथ तुम लोगों की तरफ उठेंगे उसे काट फेंकूंगा। यस सर। जिस टेढ़ा सिंह को हमने कस्टडी में लिया है वो अपने आप को रॉ एजेंट बाला बता रहा है। अब तक कहना मुश्किल है कि वो सच कह रहा है या झूठ, क्योंकि सच सिर्फ आप जानते हैं। I need your confirmation, sir. बाला अब भी जिंदा है? Pass the phone to him at once. Hello, sir. How are you, sir? बाला, I will be with you in 2 hours. I will get you out. Yes. चीफ पर गोलियां चलाई गई। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है? उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ए! 4 गोलियां और ठोक देते उस बुड्ढे के सीने पर। जाओ जाकर उसे मार दो। मुझे गुड न्यूज चाहिए। ओपन द सेल, मुझे बाहर निकालो। ए, तुम पर 30 कत्लों का इल्जाम है। बिना कंफर्मेशन के हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते और रॉ चीफ कोमा में है। तो रॉ एजेंसी से बात करो। मुझे हर हाल में बाहर निकलना होगा। मेरा काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। जब ही रॉ चीफ किसी को अपॉइंट करता है, इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर। ना उसका कोई फोटो रहता है, ना कोई रिकॉर्ड होता है। He reports directly to the chief. वो क्या करता है, क्या मशीन है, किसी को पता नहीं चलता। तो फिर इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ऑप्शन है, जब ही रॉ चीफ पहली बार किसी का इंटरव्यू लेता है वो फिजिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर री इंटरव्यू करके वो सवालों का फिर से वही जवाब मिला तो देन ही इज द मैन। हम उसका फिर से इंटरव्यू लेंगे सर।
shooting. He can empty a whole magazine into a bullseye. I know his punch power. The name is Bala. Bala Krishna Nandamuri. Tell me the names of top mafias in the world. Jamaican, Albanian, Serbian, Israeli, Mexican, Russian, Colombian, Japanese, Chinese, and Sicilian. Which is the most dangerous organization in the world? Sinaloa Cartel, Mexico, and Boko Haram in Nigeria. Why did Soviet Union disintegrate? KGB ki nakami ki wajah se. Bahut se dharm aur jati ke log azadi chahte the. How would you end terrorism? Terrorism ko koi khatam nahi kar sakta. Jab tak insaan ki soch nahi badlegi, aatankwad nahi jayega. Do you like communism? Mujhe kisi se aitraz nahi. Main unke plus minus har cheez ko observe karta hu. Hitler ki sabse badi galti kya thi? Usne bahut galtiyan ki thi. Sardiyon mein Russia par attack karna uski sabse badi galti thi. If the third world war breaks out, what weapons will they fight with? सर मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थरों और डंडों से लड़ा जाएगा। I like it. Purpose of the UNO? अमन और चैन कायम करना, जो कि नामुमकिन है। Why is the CIA top in the world? CIA नहीं है, it's Mossad, Israeli secret agency. क्या इंडिया पाकिस्तान कभी एक हो सकेंगे? झंडे को लेकर झगड़ा करेंगे, नेशनल एंथम को लेकर झगड़ा करेंगे, राष्ट्रीय भाषा को लेकर झगड़ा करेंगे। अगर सहमति हो भी जाए तो लड़ने की नई वजह ढूंढेंगे। वो कभी एक नहीं हो सकते। What is the new war strategy? Economic hitman. Explain it. समझो इंडिया में एक फॉरेनर आया, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेगा, वर्ल्ड बैंक से करोड़ों का लोन दिलवाएगा जिसे हमारा देश कभी नहीं चुका पाएगा। रिसेशन शुरू, फिर कोई और देश हमारी मदद करने आएगा, अब वो हमें पैसा देगा, बदले में इंडिया में अपना बेस बनाएगा, अपना हर प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अपने ही देश में नौजवान बेरोजगार होगा। ऐसे ही तो पैदा होते हैं कम्युनिस्ट और टेररिस्ट। धर्म और जाति का कार्ड खेलेंगे, उसके बाद हथियार भी बेचेंगे। हम एक बार फिर से गुलामी की जिंदगी जिएंगे। हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं के लिए जिएंगे और मरेंगे। बिना युद्ध किए हमारे देश पर वो फिर से राज करना शुरू कर देंगे। यही है न्यू वॉर स्ट्रेटजी। आर यू रेडी टू डाई फॉर योर कंट्री? मैं तो पैदा ही देश के लिए हुआ था सर। How do you want to see your country? खुददार, ईमानदार, अनुशासित, वतन परस्त, नीडर, बहादुर, एक सच्चा देशभक्त जो देश पर मर मिटे। एक सच्चा देशभक्त कभी अपने वतन से गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए हर एक इंसान में देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए। जनगण मन का एक एक शब्द हमारी रगों में बस जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी एक एक सांस इंडिया की कर्जदार है। इंडिया इज माई प्राइड। सिर्फ यही एक देश है जहां हम सब एक हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सबसे पहले हम इंडियंस हैं। मेरा भारत महान, इस जज्बे को दिल में मत दबाओ। मेरा भारत महान, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाओ। एक एक किसान, एक एक औरत, एक एक बच्चा, माँ की कोख में पलता बच्चा भी बोले आई एम एन इंडियन। देश प्रेम से ही हम दुनिया के हर आतंकवाद से लड़ पाएंगे। जय हिंद। That's why he's licensed to kill. ओ भाई साहब, आप इस तरफ आइए। मैं जानता हूं कि तूने मिनिस्टर के कहने पे ही रॉ चीफ पर गोली चलाई है। बता तेरा बाप कहां है? जरा मुझे दिल्ली तक छोड़ दीजिए।
दिल्ली समझदार है। बारा, हाउ आर यू सर? आई एम सो हैप्पी टू सी यू अलाइव। मुझे भी आपको जिंदा देखकर खुशी हो रही है। आई मेड अ मिस्टेक बारा, आई शुड नॉट हैव स्टॉप्ड यू। आई एम सॉरी। अब जाके बॉब मार्ली को मार डालो। उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था सर। उसे जिंदा छोड़ने के बाद उसने मेरे प्यार पर गोली चला दी थी। मैं सह नहीं पाया, जो ड्यूटी पे रहते नहीं कर पाया उसे अपने आप करने का फैसला कर लिया। दो दिन दो रात उसे पागलों की तरह ढूंढा, फिर तीसरे दिन वो कब्रिस्तान आया जहां उसके भाई की लाश को दफनाया जाने वाला था। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अपने भाई को दफनाने आया है और मैं तुम सबको दफनाने आया हूं। ए, मुझे मेरे भाई की कसम, इसी कब्रिस्तान में तेरी कब्र बनाऊंगा। यहां 20 कब्रें और खुदवा, मैं तुझे ही नहीं सबको दफनाऊंगा। इस मिट्टी की कसम खाता हूं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत है तो बच के दिखाओ। Hey, 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 wait,
अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? अब मैं सेफ हूँ। थोड़े दिन जेल में रहूंगा, फिर बाहर निकलूंगा और घर जाऊंगा। अब क्या करेगा तू? क्या करेगा अब? चल हट। Why are you arresting my brother? Hey! Hey, come on. Let's go. Wait. Get in. Wait. Wait. Don't put him inside. He's not my brother. Don't arrest him. He's not my brother. Don't arrest him. He's lying. He's not my brother. Stop the car. I said stop the car. घर जाएगा क्या? किस तरह का इंसान है तू? दिमाग है थोड़ा, मारता हूँ हथौड़ा। बच सकता है तो बच के दिखा। Officers, don't put us in the same cell. Please, please, officer. किसने कहा तू जेल जाएगा? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? शौक है ना? चल अब फोन कर। अरे जिंदा है या टपक गया? गुस्सा शांत नहीं हुआ। कैसे शांत करूं मेरे गुस्से को? इस तरह मैंने उसे मार डाला। ये सारे काले धंधे मिनिस्टर चला रहा था। दुनिया को दिखा रहा था कि बॉब मार्ले जिंदा है। वो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैंने भी उसके साथ एक बड़ा गेम खेला। पूछ, मैं जीत गया। तुमने मुझसे वादा किया था जीता तो इनाम दोगे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि तू जीतेगा तो क्या इनाम दूंगा। क्या इनाम दोगे? सर, गेट वेल सून। अगले मिशन पर कब जाना है बता देना। बाला? यस सर, अगले मिशन की डिटेल्स मुझ तक पहुंच चुकी है। आर यू रेडी फॉर इट बाला? सर, मिशन ही क्या, देश के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। वेरी गुड बाला, शाबाश। मिस्टर टेढ़ा सिंह, कहाँ हैं आप? जंगल में भटक रहा हूँ।
भूखा प्यासा हूँ। मैंने अपनी बेबी को खो दिया, इसलिए बाबा बनने की तैयारी कर रहा हूँ। आपके साथ और कौन कौन है? 10-15 डरावने लोग हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है। इनकी खातिरदारी करने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। रुको, अपन एक्शन भी म्यूजिक के साथ करता है। बजाओ जितनी जोर से बजा सकते हो। इतने में मजा नहीं आया, और प्रसाद चाहिए। 1-2-3 मार। कितनी बार तुम सबसे कहना पड़ेगा, ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, आउटर्स नॉट अलाउड।